अब बात करते हैं विलसा की, जहां नटेरन के ग्राम पंचायत राजौदा में फर्जी मतदान का मामला सामने आया है। पंचायत चुनाव के वोट डालने पहुंचे ग्रामीण उस समय दंग रह गए जब उन्हें पता चला कि उनका वोट डल चुका है। ग्रामीणों ने जब इसका विरोध किया तो वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने ग्रामीणों को खदेड़ दिया था। ग्रामीणों का आरोप था कि जब हम लोग वोट डालने नहीं आए तो हमारे वोट आखिर किसने डाल दिए थे। ग्रामीणों ने पुनः मतदान के लिए नारेबाजी की थी। एजेंट को पहचान के लिए बैठाया जाता है, उन्होंने कैसे वोट डालने दिया। नटेरन जनपद पंचायत के राजौदा में मतदान सुबह से शांतिपूर्वक चल रहा था। दोपहर के 1 बजे के बाद मतदान करने पहुंचे ग्रामीणों को वोट डालने से मना कर दिया गया। पीठासीन अधिकारी का कहना था कि आपने वोट डाल दिए हैं, जबकि ग्रामीणों के अनुसार वह पहली बार ही वोट डालने आए थे। इस बात को लेकर ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराना चाहा तो मौजूद पुलिस बल ने उन्हें खदेड़ दिया था। उन्हें मतदान नहीं करने दिया जा रहा है और फर्जी मतदान चल रहा है। ग्रामीणों ने फर्जी मतदान को लेकर जमकर हंगामा किया और ग्रामीणों का आरोप था कि जब पीठासीन अधिकारी और सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाती है, फिर फर्जी वोट कौन डाल गया था। ग्रामीण इस बात पर अड़े थे कि दोबारा मतदान कराया जाए। हैरानी की बात है कि फर्जी मतदान को लेकर 2 घंटे से ज्यादा हंगामा होता रहा, लेकिन प्रशासन का कोई बड़ा नुमाइंदा मौके पर नहीं पहुंचा था। गांव वालों की माने तो 1 बजे से हंगामा चल रहा है, इसके बावजूद 2 घंटे से ज्यादा का समय होने के बाद कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। इधर तहसीलदार सत्यनारायण सोनी का कहना है कि यदि ग्रामीण फर्जी मतदान की शिकायत कर रहे हैं तो टेंडर वोट डालने की प्रक्रिया आयोग द्वारा जारी की गई है। जो लोग शिकायत कर रहे हैं वो साबित करें कि उन्होंने वोट नहीं डाला है। अब हमें धक्का मार के भगा दे बाहर के लिए। तुम्हारा वोट हो गया? हो गया साहब। वोट डाला? वोट नहीं डाला आपने? वोट नहीं डाला। तो डंडा मार रहे हैं साहब, मार मार के भगा रहे हैं। अच्छा, फर्जी मतदान कर रहे हैं? फर्जी मतदान हो रहा था? आप क्या आप जो चाह रहे दोबारा हो गए? दोबारा वैसे फर्जी मतदान हो रहा है। हमारे लोग खड़े हैं, वो जाते हैं और पुलिस वाले डंडा देते हैं, भगा देते हैं।